आप अपना खुद का भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य जरूर बदल सकता है। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, तो आप आईना देख लीजिए। आप खुद ही वह इंसान जो अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका स्वागत है मेरे चैनल में और दैनिक राशिफल के इस एपिसोड में। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 13 जून 2020 को शनिवार है। संवत 2077 का आषाढ़ का कृष्ण पक्ष चल रहा है। तिथि अष्टमी है जो रात को 12:59 तक रहेगी। नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है जो रात को 9:27 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि में दोपहर 2:45 तक, उसके बाद में मीन राशि लग जाएगी। आज योग प्रीति है और करण बालव है। राहु काल मॉर्निंग में 9:30 से 10:30 तक रहेगा। शुभ चौघड़िया मुहूर्त ये 7:20 से 8:50 तक और फिर वापस दोपहर को 1:20 से 2:50 तक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रहेगा। यात्रा मुहूर्त, आज के दिन आप पश्चिम और उत्तर दिशा में यात्रा कर सकते हैं। दिशाशूल पूर्व दिशा में रहेगा, अर्थात पूर्व दिशा में आप यात्रा नहीं कर सकते या नहीं करनी चाहिए। शुभ ग्रह योग, आज के दिन सूर्योदय कालीन जो कुंडली है उसमें भद्र महापुरुष योग, चंद्र मंगल लक्ष्मी योग, भारती योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, सरल योग और कई प्रकार के राजयोगों का निर्माण होगा। आज के दिन शुभ फल प्राप्त करने वाली जो राशियां हैं वह है मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और कुंभ राशि। और जिनको सावधान रहना है वो राशियां हैं वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। आइए बात करते हैं मेष राशि से। आपकी राशि से 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मंगल के साथ में विराजमान है और ये पिछले दो दिनों से मैं बोल रहा हूँ कि चंद्रमा और मंगल एक साथ में 11th हाउस में लक्ष्मी योग देते हैं और राशि से 11th हाउस में चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ग्रह आकर के शुभ रिजल्ट ही देता है। राशि से 10th हाउस में शनि अपनी खुद की राशि के विराजमान है। स्वराशि के शनि यहाँ पर सस योग का निर्माण कर रहे हैं। बुध उच्च राशि के होकर के पराक्रम स्थान में है, स्वराशि का बुध भी वहाँ पर है। ऐसी स्थिति में आज 2:45 दोपहर तक आपके लिए स्थिति बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत ज़्यादा कारगर है। यहाँ तक आप जो भी फायदा उठाना चाहते हैं, कोई कामकाज करके, सेल करके, एग्रीमेंट करके, जिस भी ढंग से जो भी आपका कामकाज है वो कामकाज आज दोपहर 2:45 तक तो बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। उसके बाद में राशि से 12th हाउस में चंद्रमा चला जाएगा, वो आपको स्ट्रेस देना स्टार्ट कर देगा। वहाँ से व्यर्थ के एक्सपेंसेस होंगे, व्यर्थ के वाद विवाद में आप फंसेंगे, फालतू की स्ट्रेस आ जाएगी और रात में नींद में कमी आ जाएगी। लेकिन 2:45 तक तो आपको फाइनेंशियली गेन हो गया। कोई पैसा किसी से बकाया है वो आपको मिल सकता है। यदि कोई ट्रेवल प्लान कर रहे हैं तो आज दोपहर को 2:45 से पहले यदि निकल जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक प्रकार से ये बोल सकते हैं दिन की शुरुआत बहुत अच्छे मूड से होगी। हो सकता है घर में किसी न किसी कोई आगंतुक आने वाला हो, मेहमान आने वाला हो, रिश्तेदार आने वाला हो, उसकी सूचना मिल जाए, लेकिन अल्टीमेटली खर्चा ही होने वाला है, क्योंकि आज से लगा करके 15 तारीख की रात तक, अतः 16 तारीख की अर्ली मॉर्निंग में 3 बजे तक मीन राशि का चंद्रमा रहेगा। उसके बाद में चंद्रमा जो बदलेगा, मेष राशि का आ जाएगा, वो आपको 18 तारीख की दोपहर 3 बजे तक बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छा देगा, पॉजिटिव देगा, शुभ देगा। अतः ये जो बीच का स्पान है कि आपने 15 तारीख की रात के बाद में, मतलब 16 तारीख से 17 तारीख और 18 तारीख की दोपहर को 3 बजे तक, ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत अच्छे ढंग से सोच समझ करके निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो सिचुएशन बनी हुई है ये एक प्रकार से कालसर्प योग की सिचुएशन बनी हुई है। जो भी 13 तारीख को जन्म ले रहे हैं, ठीक बच्चे, वो कालसर्प योग में रहेंगे और यदि सूर्योदय कालीन ही स्थिति है तो यही सेम कुंडली बनने वाली है जो कुंडली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो बृहस्पति यहाँ पर नीच राशि का है, लेकिन भाग्य का अधिपति होते हुए बृहस्पति यहाँ पर नीच राशि का है, तो एक प्रकार से यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी माना जाएगा। चंद्रमा और मंगल लक्ष्मी योग है, ये बहुत शुभ स्थिति है। पंच महापुरुष में से एक शश योग ये बहुत ज़्यादा बेटर है और साथ में शुक्र
यहाँ पर अपनी खुद की राशि का है, सप्तम भाव का भी अधिपति है, सेकंड हाउस धन और संपत्ति का भी अधिपति है, और सूर्य एक त्रिकोण का स्वामी होकर के, शिक्षा भाव का स्वामी होकर के सेकंड हाउस में है। अर्थात ऐसी स्थिति में संतान से शुभ सूचना भी मिल सकती है, संतान कोई एग्जाम देने वाली हो, कोई इंटरव्यू देने वाली हो, उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ सकता है। तो सब मिला करके यहाँ पर जो पारिवारिक स्थिति है वो बहुत अच्छी रहेगी, संतान से शुभ समाचार मिल सकते हैं। ये 2:45 के पहले की है, इसके बाद में स्थितियाँ बदल जाएंगी। और हमेशा बोलते हैं कि ग्रह कैसे परिवर्तन हो जाते हैं, ग्रह कैसे एक सिचुएशन को बदल करके रख देते हैं। जहाँ पे मैं गेन की बात बोल रहा हूँ वहाँ पे एकदम अपोजिट बात बोलूँगा कि 2:45 के बाद में आपको इन्वेस्टमेंट को बचाना पड़ेगा। यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया है, 2:45 तक उसको इनकैश कर देते हैं तो आप फायदे में रहेंगे, अन्यथा आपको इस सिचुएशन को 16 तारीख को ही वापस सोचना पड़ेगा। वहां तक आप इसको ठंडे बस्ते में डाल दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट को छूने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। राशि से 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वो चंद्रमा दोपहर को 2:45 के बाद में और ज़्यादा बेटर कंडीशन में आ जाएंगे, तब आपको गेन की सिचुएशन होगी, तब आप जो भी एफर्ट करेंगे, जो भी कामकाज करेंगे वो बहुत बेटर जाएगा। अर्थात आज जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में और ज़्यादा बेटर सिचुएशन ही आने वाली है दोपहर को 2:45 पे। लेकिन जो मैं ये टाइम बोल रहा हूँ 2:45 से, वो आपको 15 तारीख की रात तक बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन 16 तारीख को सुबह जब आप उठेंगे तो वहाँ से 18 तारीख की दोपहर को वापस ये वीक टाइम पीरियड रहेगा, दोपहर को 3 बजे तक, 18 तारीख की दोपहर को 3 बजे तक। तो मैं आपको आगे की प्लानिंग के लिए भी डेट बता रहा हूँ, ताकि यदि कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो यदि आप कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जो रोजाना इन्वेस्टमेंट करते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके देखें। ये जो टाइम पीरियड है जो मैंने आपको अभी बताया है कि 13th को दोपहर में 2:45 से लगा करके 16 की सुबह तक, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए, गेन के लिए। और जो लोग चाहे मेडिसिन का, जो लोग केमिकल से संबंधित काम कर रहे हैं या मेडिकल इक्विपमेंट का काम कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर का काम कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं, जिनका पेट्रोल पंप है, या जो प्लास्टिक से रिलेटेड काम कर रहे हैं, वो भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा गेन को देखेंगे। उनका कोई ना कोई काम होने वाला है, अगर उनका कोई स्टॉक अटका हुआ है, उनका कोई माल अटका हुआ है ट्रांसपोर्ट में, तो भी आपके दरवाजे तक, तो भी आपके गोडाउन के दरवाजे तक वो आने वाला है। तो ये टाइम पीरियड तो आपको सपोर्ट करता है, इसमें तो कोई शक है नहीं। आपके राशि भाव में सूर्य विराजमान है, ये सूर्य भी 14 तारीख की रात तक, अतः 14 तारीख की रात को 11:52 तक ये सूर्य आपकी राशि में ही रहेंगे। उसके बाद में यही सूर्य अगली राशि में चले जाएंगे, मिथुन राशि में चले जाएंगे, जहाँ पर कि राहु विराजमान है। सूर्य और राहु जब भी एक साथ में होते हैं उस सिचुएशन को ग्रहण योग कहा जाता है, और 21 जून 2020 को तो यूँ भी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। जिन भी कुंडली में सूर्य और राहु साथ में है, या सूर्य या केतु साथ में, उन लोगों को जिंदगी में अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी खुद की वस्तुओं के लिए हमेशा फाइट करनी पड़ती है। इजीली उनको उनके राइट्स ही हैंडओवर नहीं होते। आपकी खुद की संपत्ति, आपका खुद का हक है, उसके बावजूद भी आपका भाई रख लेगा और आपको बोलेगा प्रूव करके बताओ। तो हमेशा सूर्य जिसको बोला जाता है अधिकार, सूर्य को बोला जाता है सत्ता, सूर्य को बोला जाता है स्ट्रेंथ, आपका वर्चस्व, आपका वजूद, वो ही खतरे में पड़ जाता है जब राहु या केतु उसके साथ में आकर के उसको पीड़ित कर देते हैं। तो यही कहानियां हैं, यही कुछ स्थितियां हैं जब एक ग्रह जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जो सारे ग्रहों का राजा है, वो भी कैसे अपने आप को बेचारा महसूस कर सकता है, पीड़ित महसूस कर सकता है, और जो रिजल्ट देना चाहिए वो रिजल्ट देने में आपको आनाकानी कर सकता है, कमजोरी दिखा सकता है। यही स्थितियां, यही योग का नाम ग्रहण योग है। लेकिन एक चीज़ इसके साथ अच्छी भी होगी, हमेशा मैं जब भी बात करता हूँ, ठीक है, तो मेरे दिमाग में 2 प्लानिंग चलती रहती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्योंकि हर ग्रह अच्छा करता है तो उसके साथ बुरा भी करता है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो ठीक यहीं पर सूर्य जब मिथुन राशि में आएगा, सूर्य जब बुध की राशि में आएगा, और बुध ऑलरेडी वहाँ पर है, तो ये बुध आदित्य योग भी बनाएगा। वो लोग जो मार्केटिंग सेक्टर में, वो लोग जो कम्युनिकेशन स्किल के साथ में काम कर रहे हैं, वो लोग जो एंकर है, वो लोग जो मीडिया में हैं, मास मीडिया में है, और वो लोग जो ऑरेटर्स हैं, वो इस समय काल में बहुत ज़्यादा गेन देखेंगे, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, वो बहुत ज़्यादा कमाई कर पाएंगे, या अपने आप को नेम फेम वाली स्थिति में ले आएंगे।
मान लीजिए आप मार्केटिंग की फील्ड में, ये टाइम लॉकडाउन का है, ये टाइम कोरोना का है, बहुत ज़्यादा स्थितियाँ यहाँ पे सीमित हुई हुई है, उसके बावजूद भी जिन लोगों का टाइम पीरियड अच्छा है, जिन लोगों की वृषभ राशि है, वो तो गेंद देखेंगे, वो एप्रिसिएशन को देखेंगे, एप्रिसिएशन को पाएंगे, अर्थात जो आपका टारगेट है वो टारगेट इजीली अचीव होगा, इसमें 1% भी शक नहीं है। तो राशि से 10th चंद्रमा अच्छा है, 2:45 के बाद में राशि से 11th चंद्रमा इससे भी ज़्यादा बेटर है, इसलिए आप जो भी एफर्ट कर रहे हैं उस एफर्ट के वजह जान लगा दीजिए, आपको गेन जबरदस्त मिलने वाला है, ये टाइम पीरियड आपका बहुत ज़्यादा शानदार है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, आपकी राशि से 9th हाउस में ठीक चंद्रमा विराजमान है, अर्थात ये चंद्रमा राशि से 9th हाउस धर्म स्थान में भाग्य स्थान में विराजमान है। दोपहर को 2:45 से, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो चंद्रमा है 54 आवर्स में 2.25 दिन में चंद्रमा बदलता है और 27 दिन में वापस वहीं आ जाता है जहाँ से चला था, तो एक माह में आपको 3 बार 54 घंटे के ऐसे स्लॉट आएंगे जो आपको बहुत डिप्रेस करेंगे, जो आपको बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे, जो आपको लॉस कराएंगे, चिंता में डाल देंगे, आपको एंग्जाइटी में, फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन का शिकार कर सकते हैं, ये स्लॉट आपके बार बार आएंगे, वो है राशि से 4th चंद्रमा, राशि से 8th चंद्रमा और राशि से 12th चंद्रमा। जैसा मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, जब पंचांग में बोल रहा हूँ तो मैं साथ में बोल रहा हूँ कि आज की तारीख में सावधान रहने वाली राशियाँ, वो राशियाँ, 3 राशियाँ वही राशियाँ हैं जिनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, जिनका 4th, 8th या 12th चंद्रमा होता है, इसलिए मैं वो राशियाँ रोजाना बोलता हूँ। तो आज की तारीख में जो समय आपका चल रहा है, सूर्योदयकालीन समय है, जब आप सोकर के उठेंगे तो आप स्पेशली संतान से, अपने घर वालों से, माता पिता से, हो सकता है किसी न किसी बात पर बहस हो जाए, हो सकता है आर्ग्यूमेंट हो जाए, हो सकता है संतान समय पर नहीं उठती है, उस वजह से आप कुछ न कुछ सुना दें, ये हर घर का है। तो राशि से 9th हाउस में चंद्रमा, साथ में लक्ष्मी योग बना हुआ है, चंद्रमा और मंगल साथ में, और वो चंद्रमा आपकी राशि कुंडली में 2nd हाउस का लॉर्ड है, 2nd हाउस को धन और संपत्ति बोलते हैं, उसका संबंध भाग्य से जुड़ रहा है, और ठीक 2:45 के बाद में उसका संबंध आपके कैरियर से जुड़ जाएगा, आपके कर्म से जुड़ जाएगा, जो आपको बहुत ज़्यादा बेटर फल देगा, स्पेशली वो लोग जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, या लोग जो लोग कोचिंग दे रहे हैं, जो कैरियर पॉइंट चला रहे हैं, जो फाइनेंशियल जो कंपनीज हैं उनको एनालाइज कर रहे हैं या उनका काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो बैंक में काम करने वाले हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड से संबंधित हो सकते हैं, वो सभी लोग 2:45 के बाद में बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में रहेंगे, बहुत साउंड पोजिशन में रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। राहु 1st हाउस में है, राहु के पास में सिवाय प्लानिंग के और कुछ भी नहीं है, राहु एक्टिव नहीं हो सकता, एक्टिव होने के लिए केतु जिम्मेदार है, लेकिन राहु प्लानिंग बहुत अच्छी बना सकता है और वो आपकी कुंडली में 1st हाउस में, तो राहु से ज़्यादा अच्छी प्लानिंग कोई बना नहीं सकता, यूनिक आइडियाज, आपके व्यू, आपके आइडिया, आपकी प्लानिंग सब कुछ काम कर रही है और सब कुछ बहुत बेहतर ढंग से काम करेगी जब चंद्रमा भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में फाइनेंशियल लॉर्ड है और राहु के साथ में बुध भी विराजमान है, वो बुध जो स्वग्रही है, और ठीक आप देख लीजिए 2 या 3 दिन बाद में 15 तारीख को सूर्य भी यहीं पर हो जाएंगे, 14 तारीख की रात को आ जाएंगे, लेकिन हम सूर्योदय की बात करते हैं, हमेशा जो कुंडली लेते हैं वो सूर्योदय की कुंडली लेते हैं, लेकिन जब कोई ग्रह जस्ट चेंज हो रहा है तो मैं उसका टाइम पीरियड बतला रहा हूँ, क्योंकि ये हम राशिफल की बात कर रहे हैं तो राशि का मतलब ही चंद्रमा है, और वो चंद्रमा जब जब चेंज होगा तब तब आपके ऊपर इम्पैक्ट करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है नक्षत्र, क्योंकि नक्षत्र रोज़ बदलता है। तो यहाँ पर सीन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, आपकी खुद की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका खुद का धर्म के प्रति, या ये बोल सकते हैं स्पिरिचुअल, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका सिक्स सेंस और इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, और आप भगवान के आसपास अपने आप को महसूस करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अगरबत्ती लेकर के आरती करते हुए जोर जोर से आरती गाए वही आस्तिक है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप मन से उसको चाहते हैं, मन से ध्यान करते हैं। ठीक, एक मेरे क्लाइंट थे जिनके पिताजी रात को 3 बज करके रोजाना रात को 3 बजे उठ करके ध्यान लगाते थे। वो बोलते हैं ये सब जो ढकोसला है वो मुझसे नहीं होता, मैं सीधी डायरेक्ट बात करता हूँ, और उनकी बात में मुझे सच्चाई लगी। जब सब बात कर रहे हैं, जब सब मंदिरों में अपनी अपनी अर्जियाँ लगा रहे हैं, तो वो कोई भी आदमी सुनने वाला क्या सुनेगा, इसलिए ऐसा समय उन्होंने चुना जब
वो भगवान को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तब वो उनके साथ में अपने तार जोड़ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात लगी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो यदि आप ध्यान करते हैं, यदि आप मेडिटेशन करते हैं, यदि आप उसको अपनी आंखों में बसा लेते हैं, ध्यान का मतलब क्या है कि जो कोई भी मूर्ति है, कोई भी हो सकता है, आपकी संतान भी हो सकती है, आपका संतान का चेहरा आपकी आंखों में जब तक आके स्थिर हो जाएगा, फिर वहाँ से ध्यान की अवस्था आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान का मतलब यही है कि आपका कंसंट्रेशन उस एक चीज़ पर हो, चाहे वो मूर्ति हो सकती है, चाहे वो भगवान हो सकता है, चाहे कोई नाम हो सकता है, कोई अक्षर होता हो सकता है, कोई डिजिट हो सकता है। आइए अब बात करें अगली राशि कर्क राशि की। राशि से 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा सिर्फ कुछ घंटों का ही मेहमान है। दोपहर को 2:45 से जो आपने पिछले 2 दिनों से स्ट्रेस देखा था, 11 तारीख, 12 तारीख और ये 13 तारीख, 2:45 तक राशि से 8th चंद्रमा है, व्यर्थ के दोषारोपण, व्यर्थ की स्ट्रेस, व्यर्थ की प्रॉब्लम, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे पाँव में चोट लग जाए, स्पेशली एडी में चोट लग जाए या पाँव की अंगुलियों में चोट लग जाए, ये हो सकता है। बहुत से लोगों को शनि की वजह से सर में चोट लगती है, और जिन लोगों को शनि की 7.5 है, शनि की ढैया चल रही है, उनके लिए समय काल और ज़्यादा खराब होता है, क्योंकि इस समय चंद्रमा शनि के घर में है और शनि खुद स्वराशि में है लेकिन वक्री है। तो पापी ग्रह जब वक्री होते हैं तो अति क्रूर होते हैं, मैंने बार बार ये सिद्धांत आपको बतलाया है। इस समय सूर्य ग्रहण होने वाला है 21 जून को और उस समय 6 ग्रह वक्री होने वाले हैं। आज की तारीख में जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो 5 ग्रह वक्री चल रहे हैं, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 5 ग्रह वक्री चल रहे हैं। इसमें 18 जून को बुध भी वक्री हो जाएंगे, तब 6ठा ग्रह भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये ग्रहण क्यों विशेष है कि इस ग्रह के साथ में बहुत बड़े बड़े ग्रह और मैक्सिमम ग्रह वक्री हैं। वक्री का मतलब ये है कि वो पृथ्वी से दूर हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका इम्पैक्ट क्या होगा, यही जानने के लिए अलग अलग एपिसोड्स बना रहे हैं। और स्पेशली मैं आपको वो एपिसोड बना करके देने वाला हूं जिसमें आपकी राशि के अनुसार इस ग्रहण का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और क्या आपको दान करना चाहिए, कैसे सावधान रहना चाहिए, ये सब कुछ जानकारी आपको निरंतर हासिल हो रही है हमारे चैनल पर आने वाले एपिसोड्स में। आज की तारीख में भी जब मैं शूटिंग कर रहा हूं तब भी मैंने सूर्य ग्रहण के ऊपर एक एपिसोड बना करके पब्लिश किया है, ग्रहण योग, जो कि हम बात कर रहे थे आज, सूर्य और राहु जब साथ में होते हैं या सूर्य और केतु जब साथ में होते हैं उस सिचुएशन को ग्रहण योग होता है, ग्रहण योग माना जाता है, ग्रहण योग कहा जाता है और उससे बचा कैसे जाता है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है आपके लाइफ पर, ये सब कुछ इस एपिसोड में। तो राशि से 8th चंद्रमा व्यक्ति को दुखी करता है, परेशान करता है, अंदर से दुखी कर देता है और उसको बाहरी स्ट्रेस, बाहरी जो आरोप है वो बहुत लगते हैं, मतलब सर्कल से जहाँ पे आपको कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए ऐसी चीज़ों को बोलते हैं फाल्स एलिगेशन, झूठे दोषारोपण, जहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है लेकिन समय खराब है इसलिए आपके ऊपर वो दोषारोपण होते हैं। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं 13 तारीख की बात कर रहे हैं तो 2:45 तक ये स्थिति है, वहाँ तक अपने आप को बचाना है, उसके बाद में स्थिति आपके लिए अच्छी है। सूर्य आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है राशि से 11th हाउस में और वो भी 14 तारीख की रात तक है, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ ये जो कुछ घंटे बाकी बचे हुए हैं उसको बहुत अच्छे ढंग से निकाल दीजिए, उसके बाद में टाइम पीरियड अच्छा है और कंटिन्यू अच्छा है, 7 दिन तक आपको कंटिन्यू टाइम पीरियड बेटर मिलेगा। यदि कोई प्लानिंग करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट की, गेन की, कोई कमोडिटी की, वो आपको करनी चाहिए क्योंकि टाइम आपके लिए फेवरेबल है। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। राशि से 7th हाउस में चंद्रमा है जो आपके लिए अच्छा है, 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख की दोपहर तक आपने अच्छा समय निकाला है, बहुत प्रसन्नता भरा समय निकाला है, पूर्ण गृह सुख, पूर्ण दाम्पत्य सुख और जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड उन्होंने पास किया है, अर्थात अच्छा टाइम पीरियड उन्होंने निकाला है, कोई काम में उनकी गलती नहीं हुई है और जो भी उन्होंने काम किया है उसका एप्रिसिएशन उनको मिला है। लेकिन अब जो समय है वो आपकी परीक्षा का है, क्योंकि 2:45 से आपकी राशि से 8th हाउस में चंद्रमा चला जाएगा, वो चंद्रमा आपको दुखी करेगा, मेंटली भी दुखी करेगा और व्यर्थ के जो लड़ाई झगड़े हैं, व्यर्थ के टंटे में आपको फंसा सकता है। राशि से 8th चंद्रमा एक्सीडेंट के लिए, चोट के लिए, कोई न कोई भीतरघात के लिए, साजिशों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ये समय आपको 13 तारीख की दोपहर को 2:45 से लगा करके 15 तारीख की रात को, ठीक जब 16 तारीख लग जाती है, वहाँ से 3 बजे तक ये टाइम पीरियड मौजूद रहेगा राशि से 8th चंद्रमा में, ये ध्यान रखिएगा।
16 तारीख से वापस आपका टाइम पीरियड लगभग 23-24 तारीख तक कंटिन्यू बेटर चलेगा, क्योंकि राशि से 9th, राशि से 10th और राशि से 11th चंद्रमा कंटिन्यू आपको सपोर्ट करेंगे, कंटिन्यू आपको स्ट्रेंथ देंगे, पॉजिटिविटी देंगे। जो भी आपका काम काज है उसमें आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा, एक प्रकार से ये बोल सकते हैं स्मूथ राइडिंग चलेगी यहाँ पर। तो ये जो टाइम पीरियड आने वाला है राशि से 8वां चंद्रमा, वो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जो मंगल की स्थिति है राशि से 7th हाउस में, मंगल की स्थिति है, सूर्य जरूर राशि से 10th हाउस में, पिता के साथ में कोई न कोई अनबन, पिता के साथ में वैचारिक मतभेद, ये स्थिति आप देख रहे हैं, लेकिन ये स्थिति सिर्फ और सिर्फ 14 तारीख तक है, अतः 2 दिन का टाइम पीरियड आपको और निकालना पड़ेगा, 13 तारीख और 14 तारीख। 15 तारीख को सूर्य आपको राशि से 11th हाउस में देखेगा, जहाँ पर कि राहु, बुध और सूर्य तीनों ही विराजमान होंगे। राशि से 11th हाउस में राहु बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है गेन के लिए, प्लानिंग के लिए। राशि से 11th हाउस में बुध है, स्वग्रही है, अर्थात कोई भी कामकाज जो भी ठीक, चाहे म्यूजिक का काम करते हैं, चाहे कम्युनिकेशन का काम करते हैं, चाहे मार्केटिंग का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस करते हैं, ये समय काल आपके लिए अच्छा है। तो सूर्य के राशि से 11th हाउस में जाने से पिता का सुख, आपके कामकाज में इम्प्रूवमेंट, ये सब आपको हासिल होगी। और फिर रह जाएंगे शुक्र अकेले, जो कि अपने खुद के घर में होंगे, और इस शुक्र की वजह से आपको पंच महापुरुष में से एक मालवीय योग का सुख प्राप्त होगा, और ये योग बहुत ज़बरदस्त है। राशि से 5th हाउस में केतु विराजमान है, ये केतु जरूर आपको संतान की चिंता कराएगा, संतान अपनी जगह सही होगी, फिर भी केतु एक ऐसा ग्रह जिसके पास में फुल बॉडी नहीं है, वो अधूरा है, इसलिए जहाँ पर भी केतु रहेगा वहाँ पर हमेशा उसकी लालसा पूरी नहीं होती, उसकी वासना पूरी नहीं होती, इच्छा पूरी नहीं होती है, इसलिए संतान के प्रति आप बहुत ज़्यादा करने के लिए लालायित रहोगे, अर्थात उनकी चिंता आप करते रहोगे। आइए अब बात करते हैं अगली राशि, मीन्स कन्या राशि। राशि से 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, यह चंद्रमा के लिए अच्छी पोजिशन है। यहाँ से चंद्रमा बदल जाएंगे दोपहर में 2:45 पे, वो भी स्थिति अच्छी है, अर्थात कंटिन्यू आपके लिए ये बोल सकते हैं कि 15 तारीख की रात तक सिचुएशन आपके कंट्रोल में, आपके लिए बेटर है ठीक। चाहे वो आप कोई कंपटीशन देना हो, कोई एग्ज़ाम देना है, कोई इंटरव्यू देना है, कोई लोगों से बातचीत करनी है, कोई लड़ाई झगड़ा सॉल्व करना है, या कोई जो भी कम्युनिकेशन गैप है उसको आपने कंट्रोल करना है, ये समय काल आपको सपोर्ट करता है। 13 को जब चंद्रमा बदल जाएगा राशि से 7th हाउस में आ जाएगा, तो वहाँ से आपको गृह सुख, वहाँ से आपको दाम्पत्य सुख, वहाँ से आपको सरकारी क्षेत्र में लाभ, या जो भी पार्टनरशिप के काम है उनमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये जो चंद्रमा है राशि से 6th हाउस में चंद्रमा, ये भी पॉजिटिव है, और अगला चंद्रमा वो भी पॉजिटिव है। मान लीजिए कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, वो एफर्ट में आपको सक्सेस मिलेगी, अच्छा डॉक्टर अवेलेबल नहीं है लेकिन आप अप्रोच करेंगे तो कोई ना कोई डॉक्टर निकल करके आपकी मदद जरूर करेगा। जो भी एनिमीज है, जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी द्वेष भाव रखने वाले लोग हैं, शत्रु हैं, उन पर आप विजय प्राप्त करेंगे, उनको आप घुटनों पर लाएंगे। जो भी एफर्ट करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, अर्थात उन्नति मिलेगी, फाइनेंशियल गेन, चाहे वो धन और संपत्ति हो, चाहे वो व्हीकल से संबंधित संपत्ति हो, चाहे वो कोई आप डील करें, और चाहे वो प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित काम करें, तो भी आपके लिए शुभ है। तो सब मिला करके ये जो समय है खुशी का है, आनंद के पल का है, उसको आप इंजॉय करिए। अब बात करते हैं तुला राशि की। राशि से 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, यह चंद्रमा आपको कहीं ना कहीं संतान की चिंता कराएगा। यदि आप विद्यार्थी हैं, आप स्टूडेंट्स हैं और तुला राशि के हैं, तो आपका कंसंट्रेशन वीक होगा, आप उग्रता में, आप कहीं ना कहीं ठीक मौज मस्ती में, या ये बोल सकते हैं लापरवाही के साथ में शरारतें करते हुए देखे जाएंगे। अर्थात आपकी जो बुक्स है वो तो साइड में पड़ी रहेंगी, उन पे धूल जम रही होगी, लेकिन आपका ध्यान कहीं और इन्वॉल्व होगा, उस चीज़ को आपने केयरफुली हैंडल करना है। बहुत ध्यान से आपको ये टाइम पीरियड को आगे बिताना है। ये टाइम पीरियड बहुत बहुत छोटा सा ही है, क्योंकि आगे वाला टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा बेटर है। अर्थात 13 जून की दोपहर से लगा करके 15 की नाइट तक आपके लिए टाइम पीरियड वापस अच्छा आने वाला है, जहाँ पर कि आपका ध्यान भी बहुत अच्छा मजबूत होगा, आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही थी वो भी इजीली आपको बकअप होगी, इजीली आपको याद हो जाएगी, इजीली समझ में आएगी, क्योंकि वहाँ पे टाइम पीरियड आपको सपोर्ट करेगा। और यों भी चंद्रमा मीन राशि में चला जाएगा, मीन राशि का मतलब बृहस्पति है, बृहस्पति का मतलब ज्ञान है, तो बृहस्पति
अतः चंद्रमा जो बृहस्पति के घर में जाता है, सिचुएशन गज केसरी योग की होती है, क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा एक विद्या देने वाला है और दूसरा मन का अधिपति है। ये स्थिति और ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है और ज़्यादा सपोर्ट करती है, आगे लेकर के चली जाती है। इसलिए कोई भी आपने अपने अधिकारियों से बात करनी है, यदि आप जॉब में हैं और यदि आपकी नौकरी जाने वाली है, ऐसा कोई नोटिस मिल गया है, आप सिर्फ और सिर्फ 13th को रुक जाइए, 14th को, 15th को आप कभी भी जाकर के मिलिए। मान लीजिए 14th को संडे होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, 15th को चले जाइए, तो सिचुएशन आपके पक्ष में नजर आएगी, आपको उसका फायदा मिलेगा, वापस आपको कंसिडर किया जाएगा और हो सकता है नौकरी जाने से बच जाए। राशि से फोर्थ हाउस में शनि है, जब पंच महापुरुष में से एक शश योग उसका आपको साथ मिल रहा है, साथ ही साथ राहु आपके भाग्य स्थान में है और आपकी राशि का अधिपति शुक्र है, वो भी स्व राशि का है, 8th हाउस में सूर्य उसके साथ में, सूर्य जिस भी ग्रह के साथ में होता है उसको अस्त कर देता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही इतना है, लेकिन हर ग्रह के साथ में डिग्रियां अलग अलग होती है। सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि सूर्य से 10 डिग्री के भीतर कोई भी ग्रह होता है वो अस्त हो जाता है, अर्थात उसकी स्ट्रेंथ अपने आप में कमजोर हो जाती है। बहुत से लोग बोलते हैं ये ग्रह अंधा हो गया है। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। राशि से फोर्थ हाउस में चंद्रमा है, पिछले 2 दिन आपके बहुत खराब निकले हैं, बहुत स्ट्रेस वाली सिचुएशन रही है, घर में रहना एक प्रकार से मुश्किल होता है, व्यक्ति नहीं रहना चाहता उस एटमॉस्फेयर में, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर उसको डिस्टर्ब करता है। राशि से फोर्थ चंद्रमा व्यक्ति को परिवार के साथ में कुछ न कुछ आर्ग्यूमेंट करने का मौका देता है, ना चाहते हुए भी उसके ऊपर कोई न कोई बात आकर के गिर जाती है, उसको जवाब देना ही पड़ता है, उस लड़ाई झगड़े में, उस वाद विवाद में, उस डिस्कशन में उसको शामिल होना ही पड़ता है, ऐसी सिचुएशन का नाम है राशि से फोर्थ चंद्रमा। जब व्यक्ति को परेशान होना पड़ेगा, अपनों से ही परेशान होना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा परेशान अपनों से ही हुआ जाता है। सबसे ज़्यादा धोखा भी कौन दे सकता है, जो आपका अपना है, जिसको आप जानते हैं, जो आपको जानता है, क्योंकि नेचर को जान करके धोखेबाजी देना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसीलिए कहा जाता है शास्त्रों में कि भाई से बड़ा दुश्मन नहीं और भाई से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि वो आपके बारे में सब कुछ जानता है, इसलिए आपको अगर मिटाना चाहेगा तो आपकी सारी लूज पोल्स उसको मालूम है, और आप में कोई प्रॉब्लम है सपोर्ट करने के लिए भी भाई सबसे ज़्यादा सही होता है, उसको मालूम है आपके अंदर क्या कमियां हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आपको कहाँ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये कहा जाता है। और शास्त्रों की जो मान्यता है, शास्त्रों की बातें हैं, वो बहुत ज़्यादा सही लगती है, बहुत मायने में रखती है। राशि से 7th हाउस में सूर्य है, वो सूर्य जो ग्रस्त सुख में बाधक है, वो सूर्य जो कष्टपूर्ण स्थिति देता है, ऐसी स्थिति में यदि आप प्रेम प्रसंगों में, यदि आप लिव इन में रहते हैं, तो ये समय काल जो आपने निकाला है पिछले लगभग 1 महीने से अच्छा नहीं निकाला है, क्योंकि पंचम भाव का अधिपति बृहस्पति वो भी नीच राशि का है, सप्तम भाव में सूर्य है और सप्तम भाव में शुक्र है। कोई भी कुंडली में, आपके अपने परिवार में किसी की कुंडली निकाल कर देख लीजिए, अगर सप्तम भाव में सूर्य और शनि है, सूर्य और शुक्र है, ऐसी स्थिति में उसके जीवन में ग्रस्त सुख में कोई न कोई समस्या निरंतर चली आ रही है, वो अपने लाइफ में मैरिड लाइफ से संतुष्ट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सूर्य जहां पर रहता है उस भाव के सुख को जलाता है और शुक्र दाम्पत्य सुख का कारक है, इसलिए सिद्धांत काम करता है कारको भाव नाशाय, जिस भाव का कारक है उस भाव में बैठ करके उस सुख की हानि करता है, उस सुख में कमी देता है। तो ये स्थिति पिछले 1 महीने से जो आप देख रहे हैं वो स्थिति में इम्प्रूवमेंट आने वाली है। ठीक 14 तारीख की रात को सूर्य बदल जाएगा, उसके बाद में आपके दाम्पत्य सुख में कुछ न कुछ राहत आ जाएगी। और यों भी जो 2 दिन से चंद्रमा चल रहा है खराब, राशि से फोर्थ चंद्रमा चल रहा है जो कि डिस्टर्ब करता है, जो अंदर से दुखी करता है, जिसको हम अपनी भाषा में मेंटली टॉर्चर होना बोलते हैं, वो कल दोपहर को 2:45 पे आगे निकल जाएंगे, आपको राहत मिल जाएगी। आइए अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में। राशि से 3rd हाउस में, राशि से पराक्रम भाव में यहाँ पे चंद्रमा विराजमान है, और ये चंद्रमा कुछ घंटों के लिए विराजमान है, दोपहर को 2:45 पे चंद्रमा चेंज हो रहे हैं, अपनी राशि बदल रहे हैं, फिर वो मीन राशि में चले जाएंगे। तो जो आपने अच्छा समय देखा है पिछले 2 दिन से, वो अब जाकर के आपकी परीक्षा लेने लग जाएगा। 2:45 से आपको चंद्रमा राशि से 4th हाउस में आ जाएगा, और ये 4th हाउस का चंद्रमा अगले 2 दिन, या ये बोल सकते हैं आप कि 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख की रात को, रात तक 16 तारीख की सुबह उठेंगे वहाँ तक ये चंद्रमा आपको डिस्टर्ब किए रखेगा। तो 13, 14 और 15 आपको बहुत सावधानी के साथ में टाइम पार करना है, अपनी माताजी की हेल्थ का आपने ध्यान रखना है,
साथ ही साथ परिवार वालों से, स्पेशली अपने छोटे भाई बहनों से कुछ भी पंगा नहीं लेना है। ऑर्डिनरी भाषा में बोल रहा हूँ, कुछ भी आपने अड़चन नहीं डालनी है। वो जिस रास्ते चल रहे हैं उस रास्ते चलने दीजिए। हर कोई अपनी लाइफ में समझदार है, हर कोई अपनी लाइफ में बहुत स्मार्ट है, बहुत हैंडसम है। आज का युग ऐसा नहीं है कि आप उनको बोलें, गार्जियन बनने की कोशिश करें। ये एक ऐसा शब्द है कि आपके घर में पेरेंट हैं, लेकिन बड़ा भाई जो होता है उसको ये लगता है मैं टैकल करूं छोटे भाई को, मैं गार्जियन बन जाऊं। वो गार्जियन बनने देना चाहते नहीं है। ऐसी स्थिति में आप ही गार्जियन बनने की कोशिश मत करिए। आप अपना देखिए, ठीक, अपनी चादर देखिए, अपनी खींचतान करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और जो समय आने वाला है उस समय को मेंटली प्रिपेयर होकर के, सबसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में एक ही चीज़ काम आती है कि जो आपको पता चल जाता है क्या होने वाला है उसके लिए आप रेडी हो जाइए और उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। और यदि अच्छा होने वाला है तो उसको जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी झपटिए। सूर्य आते ही यहाँ पे सूर्य डिस्टर्ब होगा, क्योंकि राहु है, इसलिए सूर्य यहाँ पे पीड़ित होकर के सूर्य राहु ग्रहण दोष होते हैं, वो स्थिति बन जाएगी। और बुध यहाँ पर है, ऐसी स्थिति में सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य योग भी बनाएंगे। तो सब मिलाकर के राहु आपको प्लानिंग देगा और बुध आपसे आर्ग्यूमेंट कराएगा। इस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं आप दिमाग की मजबूती से। अब बात करते हैं अगली राशि की, मकर राशि। आपकी राशि से सेकेंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है। सेकेंड हाउस का मतलब धन और संपत्ति है। शनि सेकेंड हाउस का भी लॉर्ड है और फर्स्ट हाउस का भी लॉर्ड है। ऐसी स्थिति में शनि अपने से तीसरी राशि को हमेशा देखता है, शुभ दृष्टि देखता है। बीच में जो ग्रह आते हैं वो शनि के प्रभाव में दूषित होते हैं, परेशान होते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी मकर राशि शनि के साढ़े साथ ऑलरेडी आपको चल रही है, शनि के साढ़े साथ का सेकेंड फेज चल रहा है। यहाँ पर आने वाले समय में 21 जून को सूर्य ग्रहण होने वाला है और सूर्य ग्रहण आपकी राशि से रोग भाव में होगा। हेल्थ से आपने बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सूर्य से संबंधित जो भी रोग है, हार्ट की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, ठीक, माइग्रेन से संबंधित कोई प्रॉब्लम, गवर्नमेंट से संबंधित कोई प्रॉब्लम, व्हाइट स्पॉट जो होते हैं बॉडी पर, वो जो बीमारी होती है उसका नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वो बीमारी भी सूर्य की वजह से, और जब बुध दूषित होता है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बुध के कारण और सूर्य व्हाइट स्पॉट की प्रॉब्लम देने के कारण होता है। ऐसी स्थिति में आपको इन रोगों से बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। सेकेंड हाउस में चंद्रमा फाइनेंशियल लॉस देता है, प्रॉब्लम करता है, मेंटली आदमी सेटिस्फाइड नहीं रह पाता है। साथ ही साथ आँखों से संबंधित भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस और सेकेंड हाउस दो आँखों के हैं। जो ट्वेल्थ हाउस है वो लेफ्ट आई का है और जो सेकेंड हाउस है वो राइट आई का है। ये ध्यान रखिएगा कि राइट आई में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मेंटल स्ट्रेस के साथ में अनसक्सेस को लोग बोलते हैं, अनसक्सेस जैसा कोई वर्ड नहीं है, फेलियर कहना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बोल सकते हैं सफलता में कोई इनको अवरोध आएगा, संघर्ष वाली स्थिति हो जाएगी। लेकिन राशि से सेकेंड हाउस का चंद्रमा व्यक्ति को कहीं ना कहीं पापमय प्रवृत्ति में, कहीं धोखेबाजी में, कहीं फ्रॉड में उसका मेंटल सेटअप करने लगता है। व्यक्ति किसी भी ढंग से पैसा कमाना चाहता है, अपनी फाइनेंशियल लॉस की पूर्ति करना चाहता है। साथ ही साथ जो लोग स्टूडेंट हैं उनको भी एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली वो लोग जो प्राइमरी एजुकेशन में है, वो लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं रह पाएंगे। लेकिन आजकल जो कानून है, जो स्थितियाँ हैं, बच्चों को प्रमोट कर दिया जाता है, लेकिन हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि में ही चंद्रमा विराजमान है और आज दोपहर को चंद्रमा अगली राशि में चला जाएगा, अर्थात राशि से सेकंड हाउस में चला जाएगा। वो आपके लिए सही नहीं रहेगा, लेकिन जब तक यहाँ पर चंद्रमा है उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अर्थात सूर्य से लगा करके आज दोपहर 2:45 तक आय कारक दिन रहेगा, अर्थात जो भी आप एफर्ट करेंगे उसमें उस समय तक आपको गेन रहेगा। सूर्योदय से समय आपके लिए बेटर बना हुआ है, सूर्योदय से ही उत्साह होगा, सूर्योदय से ही आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा। जो भी आप अप्रोच करेंगे वो फुल एनर्जी के साथ में अप्रोच करेंगे, शुभ संयोग भी आपको मिलेंगे। लेकिन ये दोपहर के जब 2:45 आप क्रॉस करेंगे, ये स्थितियाँ जस्ट वीक साइड में जाएगी। जो आपको अच्छाई दिख रही थी वो वापस कोइन को ठंडे बस्ते में चली जाएगी। जो काम होने वाला था, जिसने आपको अप्रोच किया था, जिसने फ़ोन पर आपको हाँ बोला था कि मैं दोपहर तक या शाम तक पैसे ला करके देता हूँ, शाम होते होते बहानेबाजी में वो स्थिति आ जाएगी। अर्थात ये जो टाइम पीरियड अभी है वो आज आपको 2:45 तक स्थिति ठीक है, उसके बाद में वही स्थिति आपको धन हानि के रूप में, लॉस के रूप में, चिंता के रूप में, आंखों की प्रॉब्लम के रूप में, नेत्र रोग के रूप में आपको दिखाई देगी। असंतोष व्याप्त रहेगा, अनसेटिस्फैक्शन आपके आसपास रहेगा। ऐसी स्थिति में आप अपने आप को कंट्रोल रखिएगा, लेकिन ये कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ
आपको दो दिन ही रखना है, क्योंकि 13, 14 और 15 की नाइट में आपका चंद्रमा बदल जाएगा, फिर स्थिति वापस अच्छी है। आइए अब बात करते हैं राशि क्रम में आखिरी राशि मीन राशि। राशि से 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। राशि से 12th हाउस में चंद्रमा मानसिक परेशानी देता है, व्यर्थ की चिंता देता है, फाइनेंशियल लॉस कराता है, तो साथ ही साथ वेस्टेज ऑफ मनी भी करता है। व्यक्ति इधर से इधर घूमता है, बिना किसी कारण के भी घूमता है, और बिना किसी कारण के भी व्यक्ति एक्सपेंसेस करता है, बिना किसी कारण के भी व्यक्ति पैसा खर्च करता है। नींद बराबर नहीं आती है, और साथ ही साथ व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा स्वस्थ महसूस नहीं करता है। अंदर से कहीं ना कहीं उसे लगता है कुछ कमजोरी है, या रेस्टलेस है, बेचैन है, अनकंफर्टेबल है, ऐसा फील करने लगता है। और जो भी अप्रोच करता है, जहाँ भी वो जाता है, वहाँ पर भी उसका सम्मान नहीं होता है, उल्टा अपमान होने की स्थिति आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में यदि कोई यात्रा भी करता है तो यात्रा भी सक्सेसफुल नहीं रहती, और व्यर्थ ही खर्चे हो जाते हैं। जो भी अप्रोच करेंगे इस टाइम पीरियड में, वो अप्रोच आपकी सही नहीं होती है। पिछले दो दिन से आप कंटिन्यू यही देख रहे हैं, 11 तारीख, 12 तारीख और आज 13 तारीख की दोपहर तक राशि से 12th हाउस में चंद्रमा है, यही सब कुछ आप देख रहे हैं और यही देखने वाले। लेकिन 13 तारीख की रात को जब आप सोएंगे तो फिर भी नींद आएगी कि ये सिचुएशन चेंज हो रही है। आज दोपहर में ही चंद्रमा चेंज होकर के मीन राशि में आ जाएगा, तो सिचुएशन बदल जाएगी। और ये सिचुएशन कुछ दिन पहले बहुत अच्छी थी, जब आप 9 तारीख 10 तारीख को देखेंगे तो सिचुएशन बहुत अच्छी थी, वहाँ पर गेन की सिचुएशन थी, वहाँ पे जो भी एफर्ट कर रहे थे वहाँ से गेन निकल रहा था, लेकिन ठीक दो दिन बाद में फिर स्थिति बदल गई। तो जो आपकी दशा है, जो आपका प्लेटफॉर्म है, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है, कौन सी ग्रहों की पोजिशन है, और आपको इस समय गोचर में कौन कौन से ग्रह चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, ये सभी लॉजिक जब आप एक साथ बिठाते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। बहुत सारे पॉइंट एक साथ में देखने पड़ते हैं। राशिफल में तो सिर्फ एक ही चीज़ देखनी पड़ती है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा जोड़ करके बता पा रहा हूँ। लोगों की कंप्लेंट भी है, बहुत से लोगों ने बोला भी है कि राशिफल बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, जो अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है कुछ कम करेंगे, लेकिन जो लोग इस राशिफल को अच्छा समझ रहे हैं, जो राशिफल को लाइक कर रहे हैं, वो कमेंट जरूर करें कि मैं इस राशिफल को छोटा करूं या नहीं करूं। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मैं ये राशिफल आपके लिए बना रहा हूं। तो आज इस राशिफल में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद, जय हिंद।